अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और कुछ नई रेसिपीज़ जो आजकल आप लोग सीख रहे हैं, कुछ नहीं ज़्यादातर, वो आप लोग ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे, घर में बना रहे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपके घर वालों को पसंद भी आ रही होगी। आज भी हमने कुछ नया ही रखा है, पहले कभी भी नहीं सिखाई आपको ये बिरयानी, कोयला कढ़ाई बिरयानी, ठीक है, ये हम बनाएंगे। और हम बनाएंगे कश्मीरी दाल, ये भी मैंने कभी नहीं सिखाई है। ये दाल मैं बनाऊंगी साबत मूंग के साथ, जो हरी वाली मूंग आती है ना, होल, ठीक है, उसके साथ हम बनाएंगे। और हम बनाएंगे एक मीठा बिस्किट डिलाइट। लेकिन दालें, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, दालें मेरे घर में चंद ही बनती हैं। मूंग मसूर की बना ली मैंने, जो मूंग की फीकी दाल बना ली, दाल गोश बन गया, या चने की दाल और लौकी बना ली, या मेरे घर में और क्या बनता है, खट्टी दाल चावल बनता है लौकी डाल के, इस किस्म की चार पांच दाल बनती हैं। लेकिन पता है, नई नई दालें हमें खानी चाहिए, बिकॉज दे आर फुल ऑफ विटामिन। दालों में बहुत सारा विटामिन होता है, बहुत सारी प्रोटीन होती है, दालों में प्रोटीन्स बहुत शामिल होती हैं। तो ये सारी दालें आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, ताकि बच्चों को भी आदत हो नई नई दाल खाने की। वरना दाल वही होती है कि बस यही चंद दाल हैं कि आप बना दो, लेकिन नई दाल ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मेरे घर में वो भी दाल बहुत बनती है, काली मसूर की दाल विद बॉइल्ड राइस बहुत बनती है। ठीक है जी, तो हम पहले चलते हैं मीठे की तरफ, ठीक है, बिस्किट डिलाइट की तरफ। आपको इसके लिए माली बिस्किट चाहिए, दो तीन ले लीजिए, रोल्स, दो रोल्स ले लें, तीन रोल्स ले जाएँ, आपकी मर्ज़ी, जितना बड़ा डिश है, जितने ज़्यादा लोग हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको इसका कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड हम बनाएंगे दूध के साथ, कंडेंस मिल्क के साथ, अंडे की जर्दी के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ। सफ़ेदी यूज़ नहीं होगी इसमें, आप सफ़ेदी का ऑमलेट बना के खा लें, खागीना बना लीजिए, आप बहुत कुछ इसमें मैक्रोन्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट डोंट वेस्ट इट, ठीक है। और इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर हम इसको असेंबल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास है 1.5 कप दूध, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, जाएगा इसमें 1 tin, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे एग योक्स। अच्छा, आप अगर मैक्रोन्स वगैरह बनाना है आपको, तो प्लीज़ अंडे की जो सफ़ेदी है उसको आप साफ़ प्याले में डालेंगे, गीला ना हो, चिकना ना हो, वरना वो नहीं बनेगी। और अगर इन केस चली गई तो कोई बात नहीं, आप खागीना बना लीजिएगा।
ठीक है, एक टिन कंडेंस मिल्क, सवा कप दूध, डेढ़ कप डालना है, थोड़ा सा इसने बचाया है मैंने, इस जो थोड़ा सा दूध बचाया है इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ले लें। अच्छा देखें मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक आ गई है तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने इसमें जो थोड़ा सा दूध बचाया था डेढ़ कप में से, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाल दिया और कॉर्नफ्लावर को मैं डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, अब आप लोग जा रहे हैं ब्रेक पे तो मैं यह यहाँ क्या करूँगी कि मैं इसको चूल्हा जलाए बगैर अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ जब तक कि अंडे की जर्दी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हल्के पे चूल्हा खोलूँगी और बिल्कुल हल्के पे इसको हम कुक करेंगे जब तक कि ये कस्टर्ड थिक हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड पक रहा है जिसमें हमने डाला है 1 कप दूध, 1 टिन कंडेंस मिल्क और जो थोड़ा सा दूध आधा कप बचा था उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भर के डाल के वो उसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह 4 अंडे की जर्दी इसको हम अच्छी तरह से कुक करें, कंटिन्यूसली हिलाते जाएँ जब तक कि ये थिक हो जाए और ठंडा हो जाए। छोड़ना नहीं है प्लीज़, अंडे कर्ल हो सकते हैं। मारी बिस्किट्स लिए हमने, मैंने यहाँ प्लेट इसमें बोल में जिस बोल में भी आपको सेट करना है उसमें हमने डाल दिया, आप डिश में भी कर सकते हो। बहुत तेज़ नहीं किया है मैंने चूल्हा, आप देख लीजिए, ये अंडे ना डर लगता है कर्ल हो जाए तो आपका पूरा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा आप इस पर फिर पकाने के बाद, मैं लिखना भूल गई हूँ, वेनिला पाउडर या वेनिला एसेंस ज़रूर डाल दीजिएगा बिकॉज अंडे हैं ना फिर वो हल्की हल्की अंडे की स्मेल रह जाएगी, वरना पाइनएप्पल एसेंस डाल दें। अब ठीक हो रहा है ये, बंद कर दिया है मैंने, देखें। अब इसको हमें ठंडा करना है। पाइनएप्पल एसेंस है, इधर वेनिला नहीं था, डाल दें 2-3 कतरे, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना पता है क्या होता है, पाइनएप्पल
एसेंस कड़वा होता है, बिकॉज इसमें मिक्स फ्रूट में बहुत सारे पाइनएप्पल हैं, तो आप पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हो। ठंडा करना है हमें। अच्छा, अब इस बिस्किट्स के ऊपर हम डालेंगे मिक्स फ्रूट कॉकटेल या पाइनएप्पल्स, आपकी मर्जी है। मेरा मिक्स फ्रूट कॉकटेल है। एक मीडियम टिन लिया था मैंने, थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ ऊपर के लिए, ठीक है। अब इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा जब तक होगा हम आ जाते हैं अपनी कोयला कढ़ाई बिरयानी। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें इसको, ताकि ऊपर उसका झल्ली ना जम जाए। ओके, अब हम आ रहे हैं फर्स्ट रेसिपी, कोयला कढ़ाई बिरयानी। इसके लिए आपको चिकन चाहिए 1 किलो, जिसके आप करा लें 16 पीसेस या 12 पीसेस, जैसी आपकी मर्जी है। इसको हम मैरिनेट करेंगे सिर्फ दही के साथ, और दही हम इसमें लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चिकन को, ठीक है। अच्छा, वो मैं करती हूँ। अब मुझे करना क्या है कि कढ़ाई में सब में पहले मुझे चॉप टोमेटोज डालने, हाफ कप ऑयल, मैं क्वार्टर कप ऑयल डाल रही हूँ, और मैं चूँकि ये कोयला कढ़ाई है तो हम इसमें लूर पाक का थोड़ा सा 2-3 आउंस जितना हम बटर भी डालेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ जो मुझे इस वक्त खड़े खड़े याद आ रही है, ये जो बिस्किट डिलाइट है ये बहुत ही मज़े का बनेगा अगर आपने इस कस्टर्ड में 2 से 3 टेबलस्पून पक्की क्रीम डाल दी, क्रीम चीज, ये वाली मैं डाल दी। इट विल बी रियली नाइस। बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी आपको दुकान पे मिल जाता है। हर चीज़ में आप देखते हैं मैं यूज़ करती हूँ, सैंडविचेस बनाने में, लगाने में, ब्रेड पे तड़का लगाने में, अंडे बनाने में, ग्रिलिंग करने में, स्टेक्स में, सॉसेस में, हर चीज़ में ये यूज़ होता है। अच्छा, ये टमाटर जा रहे हैं इसमें, छिलका उतार के ब्लेंड किए हुए 6 टमाटर, नहीं सॉरी, हाँ 1/2 किलो टमाटर लिखे, मैंने 6 लिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सारे ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, अच्छा इसमें जाएगा कोई भी गुड क्वालिटी का कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला मैंने आपको 2 साल पहले जब मसाले सिखाए थे, जब बिल्कुल सिखाया हुआ है, आप मेरी पिछली रेसिपीज़ खोलें मसालों की, उसमें आपको कढ़ाई मसाला मिल जाएगा, वो बनाएं और उसको यूज़ करिए, मेरा घर का है। कढ़ाई मसाला हमने डाल दिया 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी
नमक 1.5, चिली पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे डेढ़ टीस्पून नमक, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हीप, ठीक है। अब मैं दही डाल रही हूँ। दही में आप 2 टेबलस्पून, चिकन में 2 टेबलस्पून दही डाल दें या आप दही इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून और चिकन इसमें जाएगी। 1 किलो चिकन 16 पीसेस है मेरे, और चावल है मेरे 750 ग्राम, 3 पाव। इसमें आराम से आपके 8 बंदे रच के खा सकते हैं। अच्छा, चावल लिए 750 ग्राम। चावल को मैंने बॉईल किया है, 3 कनी, 1 कनी कच्चा छोड़ दिया था बिरयानी के लिए। चावल में मैंने नमक डाला था 3 टेबलस्पून, काला ज़ीरा डाला था, सारा साबुत गरम मसाला डाला था, यह आपको नज़र आ रहा होगा सब कुछ, दालचीनी और काली मिर्चें और काला ज़ीरा, हर चीज़ इसमें डाल के नमक के साथ इसको हमने बॉईल कर लिया था। अब हमें चाहिएगा पीला रंग, दूध, केवड़ा, लेमन जूस 1/4 कप, अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। 1 मिनट दें मुझे ब्रेक से पहले, मैं रिकैप करूँगी। मैंने इसमें डाला सबसे पहले 1/4 कप ऑयल एंड अबाउट 2 to 3 ounces ऑफ लूर पाक यूरोपियन ब्रांड बटर। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 किलो चॉप टमाटर, 6 बड़े टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉपराइज किया था, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 3 चाय के चम्मच भर के, एनी गुड ब्रांड कढ़ाई मसाला आप लेंगे 3 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको कवर कीजिए, और दही डाल दिए मैंने 2 टेबलस्पून, लेमन जूस डाल दिया 1/4 कप, कवर कर दीजिए और इसको आप गलने दीजिए। ठीक है, जब ये गल जाएगा फिर मैं इसकी तह लगाऊंगी और हरा धनिया खूब सारा जाएगा इसमें, हरी मिर्चें खूब सारी, ये देखें हरी मिर्चें, हरा धनिया ये रखा हुआ है, दूध और पीला रंग और केवड़ा वाटर का मिक्सचर रखा हुआ है, समझ आ गई। चले, अब यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए, वापस आते हैं हम आके इसको असेंबल करके फ्रिज में डाल देते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, एक बात बता दूँ आपको, ये कोयला कढ़ाई बिरयानी में प्लीज़ आलू नहीं डालिएगा, बिकॉज़ ये कढ़ाई टाइप की बिरयानी, इसमें आलू नहीं अच्छा लगेगा, आप क्या करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें
हमारा जो कस्टर्ड ठंडा हो रहा है इसमें मैं पक्की क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। टू टेबल्स भर के ना मज़े का बनता है ये कस्टर्ड। अभी भी गर्म है, मैं अगर इस पे डालूंगी मेरे बिस्किट्स बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। नरम तो होंगे बिस्किट लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने अभी गर्म डालने से हो जाएंगे, तो मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ हरा धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालनी है और चाट मसाला डालना है और कोयले का धुआं देना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, फरमाइए। मैंने आपसे आपका क्या हाल चाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जज़ाकअल्लाह बेटा। और मैंने ना आपसे ये सामान को बोले कि मैंगो सीजन है और कोई रेसिपी सुनाना चाहता है मैंगो के साथ। अच्छा, अभी आज मेरा वो डल जाएगा पेज पे मेन्यू, आप देख लीजिएगा। अगले हफ्ते जो शेफ शाइना सिखा रही है मंगल को, दोनों रेसिपीज मैंगो की हैं, ठीक है, आप देख लेना। कोयला मैंने जला दिया है, चिकन हमारी गल रही है। जैसे ही चिकन हमारी गल जाएगी तो हम उसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और चाट मसाला, ठीक है, ये जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे तेल, दो से तीन टेबलस्पून। थोड़ा सा लेंगे पानी, इससे पता है क्या होता है, नीचे बिरयानी लगती नहीं है। चावल डालेंगे, ठीक है, फिर इसमें हम कढ़ाई पूरी डाल देंगे और फिर बचे हुए चावल डालेंगे। कढ़ाई के ऊपर मैं ये डालूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। एक पैकेट रेड जेली या ग्रीन जेली आपको चाहिए और उसको आपको एक कप पानी में जमाना है। व्हिप्ड क्रीम चाहिए आपको ऊपर के लिए, वो रखी हुई है फ्रिज में, मैं पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। थोड़े से चार हमने कुकीज ले लिए थे मारी के, उसको हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है, ठीक है, ताकि जो इसकी एजेस हैं उस पर मैं ये कुकीज़ डालूंगी ताकि जब आप खाएंगे ना तो क्रंची क्रंची मुंह में आएगा। अभी हम थर्ड रेसिपी नहीं शुरू कर सकते, नेचुरली दोनों का काम बाकी है। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तीसरी रेसिपी हमारी है आज की कश्मीरी दाल।
वो तो हमारे पास दाल बॉइल्ड है तो उसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप लोग ब्रेक से आएँ, फिर मैं मीठे का काम करती हूँ और फिर इसको भी दम पे लगाते हैं। स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक। आपने एक चीज़ नोट की इस बिरयानी में कि इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब चलें हम इसको करते हैं, एक एक चीज़ करते जाएं, हटाएं और फिर दाल चढ़ाएं। ये देखें कस्टर्ड सिर्फ देखें कितना स्मूथ बना है माशाल्लाह। और मैंने इसको ब्रेक में चखा है, चीज़ डालने से जो इसका और ज़बरदस्त टेस्ट हो गया है ना। ये भी आप 8% कैन ईजली ईट, 8 सर्विंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा मेरी जान? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपा मेरा एक सवाल है कि मैं कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ ना, बहुत सख्त बनते हैं, नरम नहीं होते बनते, क्या वजह है? आप मेरी रेसिपी से ट्राई करें। अच्छा, डबल रोटी डालती हैं कीमे में? जी, डबल रोटी भी डालती हूँ और क्या कहते हैं थोड़ा सा बेसन भी डालती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये प्याज वगैरह भी। 2 टेबलस्पून दही डाला करें, 2 टेबलस्पून, 2 डबल रोटी डाल, 2 स्लाइस डबल रोटी दूध में भिगा के 2 टेबलस्पून दही डालें, उससे बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आप जब सब कुछ आपने मिला लिया कोफ्ते में और आप जब उसके बॉल्स बना रहे हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका कोफ्ता, आपका कीमा नरम है या सख्त है। अगर आपका कीमा सख्त होगा तो कोफ्ते सख्त बनेंगे। तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल दो, बिल्कुल डाल दो, 2 टेबलस्पून डाल दो, 3। अब उसको ऐसा भी नहीं करना है कि वो गीला कोफ्ता ही ना बने, 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डालें ताकि जब आप उसको हाथ में उठाएं तो आपको फील हो हाथ में कि हाँ अब सही है, कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट है। और फिर आप उसके कोफ्ते बनाएं और डालें, फिर आप देखिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू पापा मेरी जान। पानी नहीं जाए अब। अच्छा, शुरू में थोड़ा बहुत चला गया बिस्किट्स पे, दैट्स ओके, अब नहीं जाए। सिंपल सा मीठा है, जिसके घर में मीठा बहुत खाया जाता है बनाएं, कुछ भी नहीं है ना, कोई इसमें मेहनत है और हर चीज़ आपके पास घर में मौजूद है। अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल नहीं है, आपको आजकल तो हर चीज़ इतनी महंगी है, अगर आपको ख़र्चा नहीं करना है आप आम डाल लो, नीचे एक तय आम की लगाओ बिस्किट्स के ऊपर और ऊपर भी आप आम काट के डाल दो। बस
आ रहा है? नहीं इतनी क्रीम थिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आज मेरे कुक ने कर दी है। अब ये पता है क्या होगा, ये रुके मतलब ये तंग करेगी मुझे पाइप करने में। बहुत स्टिफ पीक्स नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूं फिर? जो कढ़ाई का चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, नीचे लग ना जाए। अगर आपको मिक्स फ्रूट फ्रेश से बनाना है, आप सॉफ्ट वाले फ्रूट्स ले लें इसके लिए। पीच ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए और केला ले लीजिए, ठीक है? मिक्स से भी आप बना सकते हैं। ये कस्टर्ड आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो कॉर्नफ्लावर का है, दूसरी बात इसमें अंडे की जर्दी है। ठीक है, इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में ताकि जब तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो थोड़ा सा ये चिल्ड हो जाए। डन। चलिए ओके आ जाइए बिरयानी। हमने नीचे 1/4 कप तेल डाला है, 1/4 कप पानी डाला है, ठीक है? आधे चावल डाल दिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिरीन आपा जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेटा वो मेरे को पूछना था कि वो आपने जो न्यारी का मसाला बताया है ना? किसका? न्यारी का मसाला नहीं बताया था जी, आपने? जी जी जी। तो मैंने बनाया तो है, तो अगर एक एक मुर्गी हुए 12 पीस तो उसमें कितना टेबल स्पून डालने का? 4 मसाला। 4 4 जी। 4 जी जी 4 टेबल स्पून।
तो फिर उसके बाद घर का मसाला डालने का? सिर्फ लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन, नमक, अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा। सही सही। हम लोग बनाते, मगर जो आप बनाते वो ऐसा नहीं आता है जायका, यानी मसाला वही आपने जो बताया मैंने पीसा है, गरम मसाला भी पीसती हूँ और ये निहारी का भी बनाया। अच्छा, जब मैंने पहली दफा निहारी का मसाला सिखाया था उसमें मैंने वो नहीं डाला था, पिपली। अच्छा, अब मैं पिपली डाली है। हाँ, तो बस बिल्कुल वैसे ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सर आप 4 टेबल स्पून डाल दें। जी जी हाँ। दूध केवड़ा कलर, नहीं एक मिनट सब्र करें, ब्रेक का टाइम तो है। हाँ इधर फॉइल नहीं है ना, मैं फॉइल ढूंढ रही हूँ। I'm sorry what I'm doing. मेरे पास फॉइल नहीं है इधर। ठीक है, बिरयानी भी हमारी रेडी है, बस इसको हम छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए और इसको हम डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, कश्मीरी दाल घी में बनती है। 1/4 कप ले रही हूँ मैं ऑयल और लोरपाक का बटर। खाली बटर आपको पता है ना, कितनी दफ़ा बताया नहीं डलता है, वो उड़ जाता है, वैपरेट हो जाता है। इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज चॉप्ड। ये देख लीजिए मूंग की साबुत दाल हरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आपका अल्लाह का बहुत शुक्र। मैंने कल आपके वो चिकन पास्ता नहीं, कौन सा आपने बनाया था? बटर चिकन पास्ता। जी जी, वो मैंने ट्राई किया था। कैसा था? अच्छा बना था, जैसे आपने नहीं बनाया था। जी जी जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, जरूर बनाना बेटा। अच्छा ओके, अल्लाह अल्लाह। मैं थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा मक्खन और डालूंगी ऊपर से ताकि खुशबू रहे। अच्छा ये मैंने डाल दिया, इसको मुझे हल्का, अच्छा दाल, ये वाली जो दाल होती है जल्दी नहीं गलती है, तो इसको पहले आप 2 घंटे भिगो लीजिएगा और फिर बॉईल करिएगा, ठीक है? और फिर उसका पानी पूरा निथार लीजिएगा। अब मैंने मक्खन और तेल गर्म किया, उसमें मैंने प्याज डाल दी 1 कप भर के और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें साथ में मुझे डालना है साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। और मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी कॉल बड़ी लगती है भाई।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहती है ना दुरुस्ती पढ़ के लगाओ तो इंशाल्लाह लग जाती है। जी बोलिए। अच्छा मुझे आपसे ये कहना था कि मैंने कल भी फोन किया था ना चिपोटली सॉस के लिए, आपने ना स्पाइसी चिकन चीज बर्गर में उसका रेडीमेड सॉस डाला है। हाँ। चिपोटली सॉस नहीं बताया मैंने, चिपोटली सॉस बताया है? नहीं बताया। अच्छा मैं नहीं बताया, नहीं मैं पूरा वीक का देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके डोंट वरी, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगी। चले अभी आप रेडीमेड डाल लो, छोटी बॉटल आती है उसकी, लोकली मिलती है, डिपिट की है, वरना मैं आपको बता दूंगी। ठीक है चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू। एक टेबल स्पून मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा और प्याज, इन तीनों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, फिर मैं सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें निकाल लेती हूँ। ठीक है, टमाटर के साथ, टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं बॉईल किए हुए, स्किन रिमूव किए हुए तीन, इसमें से छिलका उतरा हुआ है। हेलो मेलिसा। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आई ट्राइड योर बटर चिकन पास्ता यस्टरडे। ऑसम, फिनिश्ड, द एंटायर थिंग इज फिनिश्ड। व्हाट? बटर चिकन पास्ता। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yeah, I made yesterday in for the dinner. खत्म, रात तक पूरा खत्म, कुछ भी बचा नहीं। अच्छी बात है ना, खुशी होती है। हाँ खुशी होती है तो सही में। आंटी दिस दाल यू बॉइल नो, प्लीज टेल फॉर हाउ लॉन्ग यू बॉइल नो, माई आई एम वेरी बैड विद दाल। एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। पार्डन? 30 मिनट्स, 25 टू 30 मिनट्स। वेयर इन द कुकर? नो नो, दो घंटे सोक कर लें, जल्दी गल जाती है एकदम, उसको मशीन ही करना है। देखें खड़ी खड़ी है, जैसी साबत मसूर होती है ऐसी साबत मूंग है, बहुत मजे की। अच्छा अब हाँ आए माँ, अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, एक लिखी है लेकिन मैंने 1/2 डाली, आई लाइक इट लिटिल स्पाइसी। नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, क्रीम जाएगी बाद में 2 टेबलस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखें ऐसी होगी प्याज कच्ची पक्की, थोड़ा सा लाल थोड़ी सी ऐसी। ठीक है, अब इसमें टमाटर और सारा मसाला जो हमने निकाला है चला गया, टमाटर में छिलका नहीं है, हल्का सा बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतारा, छिलका उतार के उसको चॉप कर लिया। अब इसमें मैं ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और इसको मैं गलने के लिए रख रही हूँ। अच्छा यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो हम एक काम ये करेंगे, ब्रेक में आपको सिर्फ दिखाती भी जा रही हूँ। ये आपने निकाल लिया, धुआं हो गया, अब इसको आपको इस तरह निकालना है। ठीक है चलिए मैं निकाल रही हूं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया था, मैंने चखा परफेक्ट है, नमक थोड़ा कम था वो डाल दिया, मिर्चें सही थी। ये देखें मैंने दाल डाल दी। अब इसमें क्रीम जाएगी 2 टेबलस्पून, और 2 अंडे के साथ मैं उनको सर्व करूंगी इस दाल को। हरा धनिया, हरी मिर्चें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ऊपर के लिए बता रही हूँ। पांच मिनट नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट देता, खत्म है। दो आउंस लूर पाक का मक्खन, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। इसको मैं इस तरह से ऑल अराउंड दूसरे वाले को भी काट के लगाती हूँ। चलें जी, रिकैप ब्रेक, चलते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, सिंपल रेसिपीज़ हैं, सब कुछ आपके घर में जो आज हमने बनाया है मौजूद है। सिर्फ शायद दाल ना हो, जैसा मेरे घर में भी ये दाल नहीं थी, मुझे मंगवानी पड़ी थी, बाकी तो हर चीज़ घर में मौजूद होती है। ज़रूर ट्राई कीजिए
और इंशाल्लाह कल जुमातुल मुबारक है, कल हम बनाएंगे एक हाउस से बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। पहले से खा चुकी हूँ लेकिन ये रेसिपी नहीं है। कल जो कड़ी बनेगी वो दही की कड़ी के साथ मैं खाउस से बनाऊँगी और अंडर कट से बनाऊँगी, चिकन विकन से नहीं बना रही। ठीक है, तो आप कल का शो मिस नहीं कीजिएगा। जुमेरात की रात है, जुम्मे की दिन आने वाला है, तो प्लीज़ याद है ना आपको सूरे काफ, सूरे जुमा, सूरे दखान, सूरे हशर, सूरे मुल्क, सूरे वाकया, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और मुझे मेरी टीम को भी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। आज दावत में बन रहा है चिली बीफ, स्टेयर फ्राई पास्ता और पोलो चिकन। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।